हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाय पत्ती से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट क्रिसमस केक या प्लम केक की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ा दिया मैंने एक पैन। इसमें डाल दूंगा मैं 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप चीनी। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, यानी चीनी को अच्छी तरह घोल लूँगा पानी के अंदर, और इसको हमें एक उबाल आने तक पकाना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर डाल दूँगा मैं 1.5 टीस्पून के करीब चाय की पत्ती। आप कोई भी चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। चाय की पत्ती डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा एक बार, और इसको हमें मतलब पानी को हमें 1/4 कम होने तक इसे उबालते रहना है मीडियम फ्लेम पर। तो हमारा जो चाय पत्ती का पानी था वो 1/4 कम हो चुका है। अब इस पानी को मैं दूसरे बर्तन में छान लूँगा। तो पानी को मैंने छान लिया है। अब मैं पानी को आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। ये पानी 1.5 कप पानी है, तो ये है 1 कप पानी और बचा हुआ 1/2 कप है, तो दोनों 1.5 कप हो गए। तो इस पानी को मैंने वापस पैन में डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 कप के करीबन टूटी फूटी। अब इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप काली किशमिश, 1/4 कप हरी किशमिश और 1/2 कप यहाँ पे डालूंगा मैं इसमें खजूर। तो खजूर के मैंने बीज को निकाल लिया है और इसको थोड़ा काट लिया है। यहाँ पे डालूंगा मैं लगभग छोटे छोटे कटे हुए 1/4 कप बादाम। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो सभी को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/2 कप पानी और इसको हमें लगभग 2-2.5 मिनट के लिए और पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसको हमने लगभग 2.5 मिनट के लिए इसी तरह पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसको मैं इसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो जब तक वो ठंडा होता है, हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जाली में डाला है मैंने 1 कप मैदा। इसमें डालूंगा मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें डालूंगा मैं 1 पिंच ऑफ सॉल्ट यानी थोड़ा सा नमक। अब इन सभी को मैं अच्छे से छान लूँगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है। इसको एक बार मैं फिर से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगा। इसको मैं थोड़ी देर साइड में रख दूंगा। तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं केक को बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड शेप का केक टिन लिया है। इसको मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो मेल्टेड बटर से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैं प्लेस कर दूंगा एक बेकिंग पेपर। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके किनारों पर भी मैं बेकिंग पेपर को लगा दूंगा, क्योंकि इस केक को हमें थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए बेक करना है। तो इसके किनारों पर हल्का सा लगा देंगे रिफाइंड ऑयल या फिर बटर, ताकि हमारा जो बेकिंग पेपर है अच्छे से सेट हो जाए। बेकिंग पेपर को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके अंदर भी मैं लगा दूंगा रिफाइंड ऑयल। आप मेल्टेड बटर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। हमारा केक टिन है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब बैटर बनाने के लिए यानी केक बैटर बनाने के लिए यहाँ पे एक बड़े बर्तन में डाला है मैंने 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। ज़्यादा ना डाले क्योंकि हमने ऑलरेडी चीनी का मिक्सर बना रखा है। इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको मैं साइड में रख दूंगा। अब जो आप देख सकते हैं हमारे जो चाय का मिक्सर था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम 1/2 मैदा का मिक्सर डालेंगे और 1/2 मिक्सर डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट और चाय की पत्ती का। और
इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, यानी इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा हल्के हल्के हाथों से। इनको मिक्स करने के बाद जो बचा हुआ मैदा का मिक्सर है उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और जो बचा हुआ ये दूसरा मिक्सर है इसको भी हमें डाल देना है, और दोनों को हमें फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब एक बार इस स्पैचुला से मैं इनको एक बार मिक्स कर लेता हूँ या फोल्ड कर लेता हूँ। अभी सारे बैटर को मैं ट्रांसफर कर दूंगा केक टिन में जो मैंने प्रिपेयर किया था। तो सारा बैटर मैंने केक टिन में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस केक टिन को मैं एक से दो बार टैप कर लूंगा, यानी तीन चार बार टैप कर लूंगा ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। अब इसके ऊपर मैं इस तरह लगा दे रहा हूँ काजू, आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं, आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं, एक बादाम के दो स्लाइस करके उसको इस तरह लगा सकते हैं। इसमें मैंने काजू को सेट कर दिया, एक दो बार टैप कर देंगे ताकि काजू अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको मैं ओवन में बेक करूँगा, तो यहाँ ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है। अब इसको मैं लगभग 45 से 50 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करूँगा। तो लगभग 50 मिनट बाद हमारा केक है परफेक्टली पूरी तरह बेक हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब केक को मैं इसी तरह 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। तो केक हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, इसको मैंने केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका जो बेकिंग पेपर है इसको भी मैं हटा दूंगा। इसके बेकिंग पेपर को मैंने हटा दिया है। अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाता हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और अंदर से बहुत मॉइस्ट बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केक अंदर से कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बन रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इस केक को पलट कर दिखाता हूँ कि कितना जालीदार बना है नीचे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हमारा केक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।